अस्सलामुअलैकुम, मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम का एक छोटू सा सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी आप हमें अपनी टीम समझती ही नहीं है, यानी हम एक छोटू सा सेगमेंट है कि वो इसमें नासिर चुनौती नहीं है, इसलिए क्या है नासिर चुनौती? अगर मुँह अगर ना हो तो क्या है नासिर चुनौती? वो भी एक नॉर्मल आदमी है, मुँह ही है ना अगर बहुत बड़ा। सर ये काम इधर से आना है, ये क्या का है? मैं जरा उनका कंफर्ट लेवल ठीक कर रहा हूँ। डरे डरे यूं बैठे जैसे जेब तराश बैठे होते हैं। नहीं सर, तुहाडा पता भी कोई नहीं ना, कापी चौके मार दे होगा। ऐ जिनिया मैं कर रहे हैं ना जुगता जी जी, ये सारियां कटियां जा रही हैं सिर्फ तुहाडा मूड नॉर्मलाइज करन ले। जी जी। और को मैं कोई नहीं कटी जानी, सारियां लगनियां ने। आहो मेरी जुगत नहीं लग सकती, लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो है, हकीकत बयान करो यार। तुम भी को कर लिया करो। तो कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कब दसो जी जरा कैसा लग रहा है? राशिद साहब तुझ ते बिल्कुल मैयत हो के बैठे हो कोल। नहीं नहीं मैनू बड़ा अच्छा लग गया, मैं तुसी ओही कर देता। और मैनू अच्छा लगया कि तुहाडे नाल जेड़ा मैं सफर कीता मैनू वो भी सारी जिंदगी याद रहेगा। क्यों बोला ऐसा? क्या ओए ओए ओए, इन दी कंडीशन इस तरह दी सी जेड़ा ट्रैक सूट पा के घरों आए ने ना। अच्छा, इन दी वजह ना एयरपोर्ट ते किन्नी वारी तलाशी होई। मैं तो जनाजे तो चल जाऊँ, दो तीन बारी तलाशी हो जाती। परसों तरसों मैं एक पता देख रहा था, विलॉग था या ड्रामा था, विलॉग था गालबन, तो उसमें वो कहता है अपने चाचे से कि अच्छा चाचा खुदा हाफिज़ मैं दुबई जा रहा हूँ। तो कहता अच्छा जा रहे हैं ना, तस्लीम लिया गन्ने लेंदा जा। कहता मैं दुबई जा रहा हूँ। कहते तो की है फिर क्यों है? कहता गन्ने। कहता अच्छा तो मैं तेन साग भी दे रहा। कहता चाचा मैं दुबई ट्राली तो चलिया। दैट वॉज इंटरेस्टिंग जी। कोई गल बात सर, पाकिस्तान जाने के बाद यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है? मौसम उसी तरह का जिस तरह का पाकिस्तान। सारे गर्म कपड़े लेके आ गए थे, तो गर्मी है। नहीं नहीं, हाँ जी आप भी तो पाकिस्तान से ही आई हैं, आप कह रही थी वहाँ बहुत शानदार मौसम है, ठंड अच्छा है। वहाँ तो ठंड है, बहुत अच्छा मौसम। वो एक तो कह रहे हैं सारे गर्म कपड़े लेकर यहाँ आ गए और इतने गर्मी है। अरे जिदा आया वा तो मेरे जहन चीज भी नहाना भी इतने आन गई है। दोबारा फिल्म बनानी पै गई यार, ए शायद अपने आप नूं बदल लवे। नहीं राई साहब मेरी ख्वाब च आए सी, उन्होंने कहा पुत्र लगा रहा, तो मैं कहा ठीक है जी। ओ की क्रिएशन सी मौला दी? अच्छा मैं वो जिन्नी बारी सर देखी ना फिल्म, वो कोई जदों टीवी लाया मौला जट लगी जदों, हालांकि मैं पहलों भी देखी सी, वो फिर मैं पार्ट बनाया मौला जट का कि राई साहब जड़े ने यानी जिते खाली जगह आँदी सी मूवमेंट करते हीरवन आई तो इधर निकल गए ने। ठीक है ना, तो वो अगर अपनी माँ ना भी गल कर रहे हैं तो वो उसे ही अंदाज कर ले, पुत्र रोटी खा ला मैं नहीं खानी। तो वो मैं फिर इनू कॉमेडी पार्ट बनाया, फिर वो ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਫਿਕਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ 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 ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸੂਆ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਾਲ ਹੈ ਨੱਕ ਲਓ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਕਰੋ ਬਹਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਰੋਸ਼ਨ ਟਾ 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 ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਪੋਟਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਡੋਟਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਚੰਨ ਦੀ 14 ਨੂੰ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ
रोटी कट्टनी नहीं चाहिदी मौले नू मौला ने मारे मौला ने मैंने मारे देखा ये इंग्लिश एक्टर मुझे लगता है जो एक आधी दफा मेरी आपसे किसी चैनल पे मुलाकात हुई आप तब भी मौला जट की यही थे ये लोग कहते हैं तो फिर ये करना नहीं 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 मैं आपको मशवरा दूं हालांकि बड़ा अच्छा पहले तो इसे मुकम्मल करो क्योंकि मुझे पसंद आ रहा है मैं इसलिए बर्दाश्त ये कर रहा हूँ कि मैंने सुना नहीं हुआ तो मैं तो मजा लूं ना ओ बारा सुटे रोचना तेरे बगैर जटे अड्डा रह गया मौले नू मौला ना मारे मौला नहीं मारे ना परानू पेट के खड़ाक ना करवा लें ओ कली रह जावेंगी जा मौले नू मौला ना मारे मौला नहीं मारे दा मौला नहीं मार दिया भी करीदा सर यूनुस अदीब से मुलाकात हुई है कभी हाँ जी हुई उन्होंने जी बचना उससे नहीं नहीं उन्होंने मैंने दाद दी उन्होंने कहा वेरी गुड तो इन रिदम च ले आता अच्छा एक मेरा मशवरा होगा जी जी कि तुम ना नई फिल्में को और भी देखो नई फिल्म से मुराद ये नहीं जो अभी रिलीज हुई हो जी जी लेटेस्ट और फिल्में लेटेस्ट नहीं हाँ। इसके अलावा मतलब शोले के डायलॉग्स जी जी फिर आप ये जो मशहूर मशहूर फिल्में हैं जी जी शोले तो खैर अब पुरानी होगी बहुत और नई जनरेशन ने शोले नहीं देखी जी जी तो वो फिल्में जो जिनके डायलॉग्स फेमस हैं या कोई कैरेक्टर फेमस हुआ वो गुफ्तगू जो है ना वैसे बहुत कम इसमें आपके पास मार्जिन बहुत थोड़ा होगा क्योंकि ये बहुत कम फिल्मों की किस्मत थी कि उसके जितने गाने मशहूर हुए उतने ही मशहूर उसके डायलॉग थे जी जी जी। अब मुझे एक भी गाना नशे दिए बोतले के अलावा एक भी गाना मौला जट का याद नहीं है जी जी लेकिन उसके डायलॉग याद अपेरेंटली कोई ख़ास गाने नहीं थे शोले के ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ये एक खूबसूरत गाना था और यह महबूबा महबूबा में चूँकि आरडी ने ख़ुद ये हरकत की थी अजीब सी वो गाना नहीं था वो तो हरकत थी वो मशहूर हो गया बाकी कोई ऐसा कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती डायलॉग उसका याद रहा जी जी क्योंकि डायलॉग बहुत पावरफुल कितने आदमी थे पता नहीं रोटी मंगानी सी उन्हें उन्होंने हाँ ये हो जी गल्ला तो इसलिए आप ऐसी कोई फिल्म तलाश करें जिसके डायलॉग तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी होगी एक अपनी जिंदगी जीले सिमरन जीले बस पूरी हाँ फिल्म वो एक डायलॉग बिल्कुल कुछ भी नहीं था हाँ बांझ छोड़ के जाओ अपनी जिंदगी जीले सिमरन और तुमसे ना हो पाएगा ये भी एक डायलॉग है वो यानी एक एक फिल्म का एक एक डायलॉग या देवदास के डायलॉग हाँ हाँ मुकम्मल इन्होंने मौला जट ही देखी होर देखी कोई नहीं नहीं, नहीं सारियां देख उस तो बाद नवीना हो गए सी एक घर दे विच फिल्म ला के इन्होंने दे देंदे सी आप घर दे सारे पासे फिर तुर के आउंदे ते वो फिल्म चल रही ते खुश हुंदा सी इस फिल्म नाल इन्हां नूं इन्ना लगाव है हुण गौर नाल वेख रहे ने मैं इन्हां नूं बुला के पछता रहे हां ये सर माफ कर देना थकावट दी गल्लां हुण डईयां ने बस और जिस इलाके च रहिंदा केबल वाला बकायदा तौर ते आखिरी 10 दिन जिहड़ा इह फिल्म लाउंदा सी वी इहदे कोल पैसे लैणे हुंदे ने दोनों यार मत्थे भी मत लगाओ मैं रिलेट कर सकता हूँ तुम्हारी आवाज भी ऐसी है और तुम्हारा जायका भी वैसे ही आई कैन रिलेट टू इट अच्छा जी पलटना झपटना झपट कर पलटना ये शेर आपको देख कर समझ आता है कि इसका क्या मतलब है वाह जी वाह ये मेरे लिए बड़ा एजाज है कि इकबाल का मिसरा वो मुझे देख के अगर किसी को समझ आता है लोग कहते हैं कि आई एम अ ग्रेट सर्वाइवर तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की अता है वरना जितना मैं नालायक हूँ आपको अब तक अंदाज़ा हो चुका होना चाहिए कि ये नालायक से मुराद है कि मेरी कोई चीज़ सीधी नहीं होती मेरे कागजात सीधे नहीं होते डॉक्यूमेंट्स मेरे मामलात मैं आज अब ये बताना पड़ेगा मुझे ये वाक्या सारे फैसले इदां दे कीते आ फैसला तां नहीं गलत कीता ये तो बस बताएगा दो दिन ते काटन मारे बता दिया है
ये तो वक्त एक सेकंड लगाता है। अच्छा वो फिर भी ना कह रहे हैं कि दो दिन तो लाड़ दे। आओ बिल्डिंगा बुल्डिंगा तो खेलना पहले इतने में। आलम ये मैं अपनी नालायकी बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ आए हुए तो 6-7 माह हो गए जी। मुझे कार्ड जब मिला ना एटीएम कार्ड एटीएम अच्छा एटीएम मिला मुझे तो मैं लुडियां डाल रहा हूँ कि जनाब अब मसला ही हल हो गया ना, क्योंकि मैं कैश रखता भी नहीं अपने पास, वॉलेट मेरे पास होता ही नहीं है। तो ये क्योंकि फूला फूला सा बड़ा अजीब लगता, बुरा लगता है। तो मैं जब भी कार्ड डालता था तो वो एरर आ जाता, रिजेक्शन हो जाती थी, प्रॉब्लम हो जाता था। अब अकाउंट मेरा ठीक है, मैं बेनिफिशरी बना के अपना जिसको चाहे मर्जी मैं अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग से मैं मुस्तफीद हो रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो मज़ा, जो शशका खड़े पैरी सड़क के किनारे मार्केट में पैसे निकलवाने का, वो नहीं हो रहा था। अच्छा, मैंने कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मैकेनिक नहीं छोड़ा। कार्ड दिखाया सर उन्होंने? जी कार्ड दिखाया, हर एक से पूछा, हर बैंकर से पूछा, ये चेक तो मतलब पता चले कि क्या मामला है, क्या इशू है। सो मच सो के मुतल्लिका बैंक के इंतहाई बालाई मंजिल में, टॉप पे, जो टॉप 5-6 जो यहाँ के सरकर्दा जो लीडरान है जी जी, उन तक बात पहुँच गई। उन्होंने कहा यार कोई मसला कोई नहीं, आप उन्हें कहिए कि आपके कार्ड में एरर आ गया, आपका कार्ड ख़राब हो गया है, हम नया कार्ड बना देते हैं, फिर भी आप आ जाएं। दुबई उन्होंने कह दिया कि आ जाएं, हम खड़े पैर ही बना देंगे आपको, कोई मसला नहीं, इसी बहाने आपके साथ चाय वाय पी लेंगे, गपशप हो जाएगी। अब उसमें एक इंडियन था, एक पाकिस्तानी है, 2 अरब्स हैं, और वो अरब्स भी जानते हैं, शो देखते हैं हमारे जी जी। अब अगर ये छुट्टियाँ ना होती नेशनल डे की तो मुझे दुबई का ये फेरा पड़ जाता। अच्छा, तो आज इत्तफाक से मुझसे मिलने 2-3 बैंकर्स आए, ऐसे ही मिलने, तो कह रही यार आपका वो जो एटीएम का किस्सा बड़ा मशहूर हुआ पूरे शहर में, तो क्या मसला था? तो आप फिर चेंज करवा लें, आप हमें कहें, हम कल करवा देते हैं, आपको खुद भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जो निस्बतन कम गो से बैंकर थे, उन्होंने मेरा कार्ड उठाया तो कहते ये आपका कार्ड है? तो मैं हाँ जी। कहते ये तो क्यामत तक नहीं पैसे निकाल लेगा। क्या क्यों? तो स्टिकर तो ला पहले। मैंने स्टिकर ही नहीं उतारा हुआ 6 माह से। और ये मेरा एडवाइजर नंबर 1। तो ये जो आपने साइंसदान रखे हुए हैं जो पिछले 35 सारी हर चीज की, 4 दफा बैंक गया, बैंक गया, इसने शुक्र है जाके वहां पर कुछ तोड़ फोड़ दी की, बाकी सारा कुछ सब कुछ किया। और होता क्या था कि जब मैं बैंक से आता था वो कहते थे हाँ जी अब हमने कर दिया, आप जाके अब ट्राई करें। अब हम नीचे, ये नीचे ही एटीएम है। अच्छा, मैं और सर जी जाते थे। अब मैं कहता जी कार्ड डालें, अब ये अपना कार्ड निकालते थे। एक दिन तो आप भी थी, ये भी ये भी ना, मैं कार्ड देखता था ना ये देखते थे, और फिर वही एरर। अच्छा, बस आपने कार्ड पकड़ा और डाल दिया अंदर, ये देखा ही नहीं के। मेरा अंदाजा है कि इस बैंक वालों ने इलॉन मस्क से भी बात की, कुछ चीज याद ही करके चेक कर लो कि प्रॉब्लम किए गए। सो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त है ब्लूपर्स का। हैप्पी वाचिंग। ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਪੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਫੰਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਫੰਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਸੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ।